अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूँ सिदरा सत्ती। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन पर और पीटीआई हुकूमत की पॉलिसी पर। बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को किस कदर ख़तरा लाहक है और हमारी हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से मुल्क किस तरफ जा रहा है और किस तरह से मुल्क को मसाइल जो हैं वो दरपेश आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रिजवान अजीज़ साहब, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है और इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, ये बताइएगा कि मुल्क की जो सिचुएशन है इस वक्त, इकोनॉमिक क्राइसिस जारी हैं, हुकूमत को आप किस तरह देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिदरा, इस वक्त जो भी पाकिस्तान से मुखलिस है और जो भी थोड़ा बहुत शऊर रखता है और फाइनेंस का या इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा जो समझ बूझ रखता है, वो इंतहाई कर्ब की हालत से इस वक्त गुजर रहा है। मैं क्योंकि मैं ख़ुद कॉरपोरेट में रहा हूँ और असद उमर जिस लेवल पर रहे हैं कॉरपोरेट में, सीईओ रहे हैं वो एंग्रो के, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इतना बड़ा डिज़ास्टर होगा, जिसको मतलब पाकिस्तान की जो बेसिक इकॉनमी है उसके खदोखाल का पता ही नहीं होगा। और उसने ये जो डिज़ास्टर किया है, एक अगर हो ना इनएक्सपीरियंस बंदा, अगर वो इस तरह इकॉनमी को हैंडल करे तो वो बात समझ आती है। लेकिन असद उमर से मुझे ये मुझे क्या किसी को भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और अगर आपको याद हो, अगर ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, चाहे जैसे भी आई थी, लोगों को ये थी कि जो इमरान खान का था कि जी बाहर से जो है वो अगर ऊपर वाला ठीक हो तो जी बाहर से रेल पेल शुरू हो जाएगी जी। और फॉरेनर्स, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, बुलंद बांग दावे। लेकिन इन्होंने जो हमारी, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, हम इसको लोकल कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर वक्त सुनती होंगी एक्सपोर्ट्स नहीं है, एक्सपोर्ट्स नहीं है, एक्सपोर्ट्स नहीं है, जी, हमारी 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं और इकॉनमी का साइज 350 अरब डॉलर है। इसका मतलब ये हुआ कि 94% जो हमारी इकॉनमी है वो लोकल कंजम्पशन बेस्ड ड्रिवन है। हम लोग जो खाते हैं, पीते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, मेडिसिन, हमारी इकॉनमी वही है। बिल्कुल। और आप उसको कहें कि नहीं, और अच्छा, और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का हुजूम है वो सिर्फ हमारी इकॉनमी का 7-8% है। अब ये पाकिस्तान की आवाम को पहले तो ये खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि 2013 में इनको मौका नहीं मिला। इनको अगर उस वक्त मौका मिल जाता जब पाकिस्तान जो था वो अंधेरों में डूबा हुआ था, बिजली की कितना शॉर्टफॉल था जी, उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी कि रोज रोज 100-100 हलाकतें होती थी, कराची में कितने हालात ख़राब थे, हमारे जो दोनों बॉर्डर्स थे उधर हालात क्या थे, जो वाना वजीरिस्तान की हालत थी, ओवरऑल मुल्क में जो कंडीशन थी और इकॉनमी जो थी वो बैठ रही थी। अगर ये इनके तो जरा सा इनको कोई अच्छा चैलेंज आ जाता है, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर उस तरह मिलता तो ये तो पता नहीं क्या। पीटीआई का ये दावा है कि जिस वक्त नून लीग ने टेक ओवर किया था तब 10% से 11% महंगाई थी और अभी उनके दौर में क्वाइट बेटर, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत बेहतर चल रहे हैं। देखिए इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये कहूँगा कि एक ट्रेंड होता है, ठीक है। मैं अव्वल तो इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन अगर चले इनकी बात मान भी लें तो 2013 से कंपैरिजन नहीं होता ट्रेंड का। हमने जो इनको 2018 में छोड़ा, ट्रेंड वहां से आएगा, ठीक है ना। हमने इनको दिया कैसे, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं होता कि फिर जीरो से शुरू होगा। जब आपकी हुकूमत आई थी महंगाई तब भी थी। नहीं नहीं, आप मेरी बात शुरू में जब आप लोगों ने स्टार्ट किया, मेरी बात नहीं समझ रही। वो हालात मैंने आपको अभी बता दिए कि 2013 में क्या हालात थे, ठीक है ना। ये जरदारी साहब की जो थी हुकूमत थी, ये लोगों ने शुक्र अदा किया था जब हमारी हुकूमत आई थी ना, जो उनको चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई थी, तो हमें जो मिले थे वो, तो हमें जो चैलेंजेस मिले थे मैंने आपको सारे बता दिए। हमने हाथ पांव नहीं फूले ना, हमने की करप्शन थी, अगर जो भी करप्शन थी, जो भी हालात थे, जब हमने हुकूमत ली है तो मैं फिर ये आए बाएं शाई नहीं करूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा कि मुझे, जब मैंने इलेक्शन लड़ा है और मैंने कहा है कि मुल्क के हालात ये हैं और मैं प्रिपेयर्ड हूं और मैं मुल्क को इन हालात से निकाल सकता हूं, तो मैं फिर ये बहाने नहीं रहते कि फलाने ने मुझे ये किया, फलाने ने ये किया, उसने टांग खींच दी, उसने ये किया, उसने पानी फेंक दिया, ये बहाने नहीं होते। हमने जो इस हाल में पाकिस्तान दिया, देखिए आपने जो बात की ना मईशत किस तरह आप देख रहे हैं, इन ना अहलों को, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि उम्मीद नहीं थी, इस वक्त पाकिस्तान 100 अरब डॉलर का इनको कॉस्ट बियर कर चुका है इनको आने की।
और हम जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि एक जो थोड़ा सा जो समझ बूझ रखता है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की, हम इस कर्व में हैं कि अभी भी लोग जब कहते हैं कि इनको 5 साल दें तो अभी इन्होंने जो हाल कर दिया इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, आप मुझे ये बताएं ना कि IMF में भी पटवारी बैठे हुए हैं, हमारे बंदे बैठे हुए हैं जो कह रहा है कि ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगा, आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड बैंक में भी सारे पटवारी बैठे हुए हैं, क्यों सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सारी बिजनेस कम्युनिटी उनको इनकी इकोनॉमिक समझ नहीं आ रही या इनकी पॉलिसी समझ नहीं आ रही कि, और वो सारे नेगेटिव आप स्टॉक मार्केट को देख लें, हालत ये है कि जो शेयर 1000 रुपए का होता था वो शेयर अब 100 रुपए का रह गया है। अच्छा। जो शेयर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने पिछले साल 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगाया था वो 10 लाख रह गया है। आप किस तरह आपने लोकल इन्वेस्टर को खत्म कर दिया है, और मैंने जैसे बताया हमारी इकोनॉमी लोकल कंजम्पशन बेस्ड है, जब मुझे इतने लॉसेस होंगे मैं कंज्यूम कैसे करूंगा? आप खुद बताएं, आप खुद जो हैं वो अर्न करती हैं, आपके हालात वैसे ही हैं जैसे आज से 1 साल पहले थे। अब आप सोच, अब आप सिर्फ अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी कर रही हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज से इकॉनमी नहीं चलती है। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, हम पॉवर्टी एलिविएशन की बात करते हैं, देखें एक एक मैं आम बंदे को समझाऊं उसका जवाब सिर्फ ग्रोथ है। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइएगा, IMF का कहना है कि 2023 तक पाकिस्तान के जो कर्जों का हजम है वो 12% से तजावज कर जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, हम किस से बात करें, हम किसको समझाएं? हमें जब बात हम जब बात करते थे कि भाई हमारे दौर में ये जो कर्जा होता है ये हमेशा परसेंटेज में होता है और परसेंटेज ऑफ GDP का होता है, हमें लोगों को हर बंदे को कर्जे में PhD करा दी थी कि 6000 था 30000 हो गया, 6000 था 30000 हो गया, ये मतलब ये नंबर्स ठीक नहीं थे। नंबर्स इसलिए ठीक नहीं थे कि मेरे एसेट्स भी उसी तरह ही बढ़े। अगर मेरे पास मेरी जो तनख्वाह थी, मैं आपको मिसाल दूं, अगर वो मेरी तनख्वाह 2004 में जो 6000 अरब कहते हैं वो 1000 अरब थी अगर पाकिस्तान का रेवेन्यू, तो मेरा कर्जा जो था वो 6000 था, वो 60% बनता है, ठीक है ना, मेरे उसका। तो विद ग्रेजुअली अगर अगर मेरा जो है, अब आप मुझे ये भी तो बताएं मैं साइज में कितना बड़ा हो गया पिछले 15 साल में, आप ये नहीं बताते थे। अब हो ये रहा है कि जब आपने इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो कर दिया 3%, कर्जे आपके उसी तरह ही जा रहे हैं, आप इतना रूम क्रिएट नहीं कर रहे तो कर्जों ने बढ़ना ही है। और अब आपने जिन निकमों को दे दिया और जिस तरह की बातें आती हैं कि अब बारिशें शुरू हो जाएंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मुझे बताएं तो सही, आपको उम्मीद किससे है? ये जो नौकरियों की बारिशों वाली बात है, तो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से नौकरियां तो पैदा नहीं हो सकती, ये तो फिर बज़ाहिर दिख रहा है। देखें मैं आपसे वही बात की जो IMF कह रहा है ना, दुनिया जो सुनती है ना जी, दुनिया हमारे TV चैनल्स को नहीं सुनती, ना वो रिजवान अजीज को सुनेगी, ना वो किसी और पाकिस्तान XYZ को सुनेगी, ना वो मतलब वो सुनेगी तो वो वर्ल्ड बैंक को सुनेगी, वो IMF को सुनेगी, ठीक है ना, जो कि दुनिया के रिकग्नाइज क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मॉर्गन स्टैनले को सुनेगी, वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स को, वो सब पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक बात कह रहे हैं। और जो ये जो एक इमेच्योर किस्म के जो लोग हैं जो कि हुकूमती गुजरा हैं जो हम पे मुसल्लत हो गए हैं, मैं खुद कॉर्पोरेट में रहा हूँ, जो मैं बार बार कहता हूँ, हम उनको अपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंट्री लेवल पे भी ना रखें, आपने उनको मिनिस्टर बना दिया है, और उनकी जिस तरह की बोंगियाँ हैं, अब इस तरह का बंदा मेरे आगे आके बैठा हो, मेरा तो वैसे ही ब्लड प्रेशर 200 हो जाए कि इतने निकम्मे बंदे को आपने पॉलिसी के लिए बिठा दिया है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? और जो टैलेंटेड लोग हैं वो कहीं बेचारे ख्वार हो रहे हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं। अच्छा रिजवान साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू जारी करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे IMF की जानिब से जारी किए गए एक अदादोशुमार की, जिसमें कहा गया था कि कर्ज़ों का हजम जो है वो 12% से तजावज़ कर जाएगा 2023 में। अब बात करेंगे नाज़रीन, जब सहाफ़ी एक अमेरिका में थे उन्होंने सवाल किया असद उमर से कि
बताइएगा कि IMF की शराइत क्या है, तो उन्होंने उस बात को गोल कर दिया कि अगर मैंने शराइत को बताया तो वो मुझे जहाज से उतरने नहीं देंगे। इस पर बात करते हैं, रिजवान साहब क्या कहते हैं, क्या मौका है आपका इस पर? देखिए मैं आपको बताऊं, जब हम कॉर्पोरेट में होते थे और जब नंबर्स नहीं आ रहे होते थे और कोई परफॉर्म नहीं हो रहा होता था, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही होती थी, तो फिर हम हाथ पांव मारते थे। और हाथ पांव जब हम मारते थे तो एक दिन स्टेज आती थी कि हमारे जहन मऊफ हो चुके होते थे, हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता था और डिसीशन मेकिंग ज़ीरो होती थी। इस वक्त करंट जो पॉलिटिकल हमारी जो गवर्नमेंट है और जो असद उमर है, मेरा व्यू यही है कि इनके जहन मऊफ हो चुके हैं, इनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है जो इन्होंने डिज़ास्टर क्रिएट कर दिया है कि इनको अब समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। और ये हाथ पांव आप क्या समझते हैं वो क्या शरायत होंगे, आप क्या देख रहे हैं? देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि इनके हाथ पांव, इनके ऊपर जितना प्रेशर है असद उमर और टीम के ऊपर, ओवरऑल गवर्नमेंट के ऊपर, अब ये चाहते हैं कि किसी तरह ये समझते हैं कि शायद अब हम IMF के पास चले गए तो शायद हमारे मसले मसाइल कम हो जाए। लेकिन देखें अब ये एक्सपोज इंटरनेशनली भी हो चुके हैं, और IMF जो है जब वो पैसे देगा, वो IMF वो है जो उसको, जब आप उसके पास जाते हैं उसका एक प्रोग्राम होता है, और आप उसका जो भी 3 साल का प्रोग्राम ले रहे हैं इस वक्त और उससे जितने भी पैसे उनसे मांग रहे हैं, वो पहले अगर फॉर एग्जांपल $12 बिलियन की अगर बात हो रही है, तो वो पहले $12 बिलियन को 3 साल से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि $4 अरब पर NM आपको वो देंगे, $4 अरब, और अगर $4 अरब देंगे तो उसको वो 4 से फिर क्वार्टरली डिवाइड करेंगे, इसका मतलब हुआ वो $1 बिलियन आपको क्वार्टरली देंगे। और हर, क्योंकि वो आपको लमसम नहीं देते, और वो फिर उन्होंने जो कंडीशनैलिटीज रखी होंगी कि आपने बजट डेफिसिट, उससे वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, उससे मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, वो जो भी आपको ट्रांच रिलीज करेंगे, जो किस देंगे आपको हर क्वार्टरली, उससे पहले उन्होंने अपनी 10 शराइत रखी होंगी, और जो आप शराइत पूछ रही उनमें क्या होंगी, उनकी बेसिक शर्त ये होगी कि जो हमारा ट्विन डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, जैसे बजट डेफिसिट है, वो उसका एक टारगेट देंगे कि आपने बजट डेफिसिट इतने परसेंट से 5.5% या 6% से ज्यादा नहीं करना, आपकी रेवेन्यू कलेक्शन इतनी होनी है, उसके बाद वो आपको ट्विन आपको वो कहेंगे कि आपने मजीद टैक्सेस लगाने हैं, वो आपसे कहेंगे कि आपने रुपए को फर्दर डिवेल्यू करना है, वो आपसे कहेंगे कि आपके पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के लॉसेस इतने ज्यादा हैं, आपने सब्सिडीज खत्म करनी है 50 लाख अमीर तरीन नॉन फाइलर्स का सुराग लगाने का एक उन्होंने ऐलान किया है, उस पर क्या कहेंगे? अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो है ना इमरान खान, ही इज एन इमैच्योर पर्सन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कहीं भी जाते हैं दुनिया में फॉर एग्जांपल, उनकी जो चीजें हैं ना वो वहां से पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहेंगे कि जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है वो 10 मरले के घर में रहता है, ठीक है ना, ये कहेंगे 10 मरले, ये नहीं बताएंगे कि उनकी क्वीन के कितने बड़े घर हैं, महलात हैं, ये नहीं बताएंगे कि हैरी का और विलियम के कितने बड़े महलात हैं और वो किधर रहते हैं, ठीक है। इसी तरह वो कहेंगे आयरलैंड का जो वजीर आजम है उसने पनामा लीक्स में उसका नाम आया, उसने रिजाइन कर दिया। इसी तरह वो कहेंगे कि सऊदीज ने जो करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन किया, उन्होंने सब अपने जितने अमीर तरीन लोग थे उनको एक डिनर पे बुलाया, और डिनर पे बुलाया, सबको अरेस्ट किया और उनको फिर पैसे ले लिए। आप लगता है कि वो स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक, इसी तरह वो महातीर मोहम्मद का ले आएंगे जी मलेशिया, हर दुनिया से जो आइडियल चीज है वो इस मुल्क में इम्प्लीमेंट होगी, ऐसे नहीं होता। क्या लगता है आपको कि एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है? ये जो नहीं है, ये जो बात आप कर रही हैं, जो सऊदी मॉडल की बात कर रही हैं कि अमीर तरीन लोगों को उन्होंने हाईलाइट कर लिया और उनको पकड़ दकड़ करेंगे और उनको ब्लैकमेल करेंगे, सऊदीया अफोर्ड कर सकता है। आपको पता है कि जो सऊदीया की सिर्फ अरामको है, जो उनकी एक ऑयल कंपनी है, उसकी $4,000 अरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनके $800 अरब के रिजर्व थे तो उन्होंने ये किया। आपकी इकोनॉमी में इतनी जान है, उनकी सारी इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट है, ऑयल एक्सपोर्ट करती है, आपकी मैंने फिर का लोकल कंजम्पशन बेस्ड है, जिन आप अमीर तरीन लोगों की बात कर रही हैं वो सारे जॉब क्रिएटर्स हैं, जब आप जो हैं उनको पकड़ेंगे और उनकी जिंदगी तंग करेंगे, जॉब्स वहां पर हैं, अच्छे से अच्छे वसाइल वहां पर हैं, किधर सऊदी खलीज ममालिक में बात, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो वो अफोर्ड कर सकते जी। लेकिन आप जब वो वाली पॉलिसी इधर इंप्लीमेंट करेंगे, एक्सक्यूज मी, तो आपकी इकोनॉमी मजीद स्लो डाउन हो जाएगी। आप जो हैं इस वक्त, ये पानी दीजिएगा, चिकन, आपने जो बात, हमने जो मिसाल सुनी है, वो मुर्गी एक जो सोने का अंडा देती थी, आप देखें जो टैक्स होता है वो इनकम के ऊपर टैक्स होता है, मैं मेरे एसेट्स के ऊपर या मेरे बिजनेस के ऊपर नहीं होता, वो जितना मुझे इनकम कमा के देंगे उसके ऊपर टैक्स होगा।
आप जब अमीरों को और आप जब कह रही हैं कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके एसेट की बेस पे किया है ना, तो आप मुर्गी को ज़िबा कर रहे हैं। आप अंडा खाएं जो पूरी दुनिया खाती है, टैक्स वेल्थ पे नहीं होता। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर की, कि वो समझते हैं कि टैक्स वेल्थ पे होता है। आप जब अमीर के एसेट्स के ऊपर टैक्स करेंगे तो आप उसकी कैपेसिटी, जो इनकम की कैपेसिटी है, लेकिन वो दुनिया, कम कर देंगे। दुनिया भर में आप देखें कि आपकी छोटी से छोटी चीज है, आपको उसका टैक्स पे करना है। इसीलिए बाहर के ममालिक में फेयर है, सब कुछ फेयर है, वो लोग टैक्स पे करते हैं, एडवांटेजेस अवेल करते हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? हम टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन हमें कोई मर्रात नहीं है। सिद्रा, ऐसे नहीं है। ये सारे जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। हम इतने स्पॉइल हो चुके हैं कि हम समझते हैं ये सारे हमारे राइट्स हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे हकूक क्या हैं? हमें आप मुझे बताएं कि नून लीग आई, पीटीआई आई, पीपल्स पार्टी आई, तीनों यही काम कर रही है। मुल्क की जो इकोनॉमी है वो कई सालों से बदतरीन जो है वो तबाही की तरफ जा रही थी, ऐसे नहीं, अब तबाह हाल होती जा रही है। इसमें आवाम का क्या कसूर है? देखिए, इसका सलूशन क्या है? जब हम कहते हैं ना कि चाइना जो है वो क्लासिक एग्जांपल है कि 30 साल में उसने सबसे ज्यादा लोगों को अपने पॉवर्टी से निकाला है, क्योंकि उसने अपने ट्रेड जोन ओपन किया। नहीं तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही की ना, इकोनॉमिक ग्रोथ ही की, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उन्होंने लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की उनकी उधर जो है ना, हर एक जो नॉन टेक्निकल बंदा है उसको गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती कि ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ। आप या तो, मैंने आपसे जैसे पहले कहा, या तो आप दुनिया को जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, मॉर्गन स्टैनले या सीपैक को सुन लें जी। उधर भी बैठे हुए थे सारे पटवारी जो हमारी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव कर रहे थे। और क्रेडिट रेटिंग का मतलब ये होता है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, और रेटिंग का मतलब ये होता है कि इसकी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है इस मुल्क की या इस कंपनी की, कि अगर हम इसको पैसे दें तो वापस मिलेंगे। आप मुझे ये बताएं ना, जो आप 2013 की हमारी बात करें इकॉनमी की, हमें डिफॉल्ट में क्रेडिट रेटिंग मिली थी, हमने दो नॉच क्रेडिट रेटिंग बेहतर की, और इन्होंने आते ही क्रेडिट रेटिंग हमारी नेगेटिव इन्होंने करवा दी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह के प्रोपेगेंडे पे चलेंगे और आप बेसिक पे और गट फील पे और आप इस पे चलेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर मुल्क का यही हाल होगा। जब मुझे एक आम आदमी को ये समझाना पड़ेगा, अगर आपने मुख्तलिफ पोस्ट देखी होंगी कि जी इन्होंने जिन्ना टर्मिनल को भी गिरवी रख दिया, इन्होंने मोटरवेज को भी गिरवी रख दिया, इन्होंने फलाने कन्वेंशन सेंटर को भी गिरवी रख दिया, और हर बंदा बोलेगा जी ये तो सारे हमारे एसेट्स गिरवी रखते जा रहे हैं, हमारा क्या होगा। लेकिन आप जब टेक्निकल बंदे से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई ये नॉर्मल बैंक की प्रैक्टिस है, जब आप जाते हैं तो कोई चीज़ प्लेज रखनी पड़ती है, और जब आप प्लेज रखते हैं तो आपका बैंक का रिस्क कम हो जाता है, वो आपको बेहतर रेट देता है। लेकिन जब हर बंदे को आपने हर छोटी बात पे प्रोपेगेंडे को, तो इस मुल्क के दुश्मन हम खुद ही हैं। और इस मुल्क को आप किसी से भी पूछ लें कि क्या हुआ है पिछले उसमें, तो आपसे अच्छा, ये कहेंगे कि ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी जो स्टॉक मार्केट जो है उस पे 97 अरब जो है दबाव है, कैसे हल होगा ये मसला? बदतरीज हालात होते जा रहे हैं। मैं किन से उम्मीद रखूं, मुझे बताए ना बेहतरी की? मैं किन से, जिन्होंने ये हालात जो इनको सिलेक्ट करके लाए हैं तो वही वाली वारिस बनते हैं ना पाकिस्तान के। अब मैं किन से, मैं अपना रोना किसके सामने जाके रहूं? और जब मैं रोता हूं वो बोलते हैं अभी तो आए, इनको थोड़ा टाइम दें। रीजन बीइंग कि उनको नहीं समझ आती। वो समझते अपने आप को बहुत कुछ है लेकिन उनको बेसिक चीजें नहीं समझ आती। कहा जाता है कि एक महीने जो है वो गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट से शिकायत कर सकती है, एक महीने बाद उसकी अपनी परफॉर्मेंस, उसका अपना विजन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, हम इसको हनीमून पीरियड कहते हैं। आप एक महीना क्या, आप 3 महीने ले लें। आपने तो 6 महीने भी दिए, आप 6 महीने ले लें, बिल्कुल ठीक है। कहने का मेरा मकसद ये है, आप 6 महीने ले लें, आप नवाज शरीफ साहब को भी जेल में डाल दें, हम चोर हैं में डाल दें, आप पीपल्स जरदारी साहब को भी डाल दें, सबको डाल दें, आप काम कर लें, खुदा का वास्ता आप काम कर लें। जब आप जब हुकूमत, या तो आप बोल दें कि मैं नैब का चेयरमैन हूं, तो फिर तो हमें आपकी बात समझ आती है। लेकिन जब आप मुल्क के जब आप मुल्क के आप मेरी बात समझे, या तो आप बोले आप नैब के चेयरमैन बनना चाहते थे, आप कहते हैं ना करप्शन, लेकिन जब आप कहते हैं मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ, जब मैं कहता हूँ मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ, तो खुदारा काम करना शुरू कर दें। और आपको काम करना नहीं आता, और अपनी नाअहली और अपने झूठ इस मुल्क पे मुसल्लत ना करें। आप हमें पता है कि मैं इस्तेमाल, लेकिन आपका ही फेवरेट वर्ड है, आप कहते हैं कि बेशर्म जो है वो गाली नहीं होती। आप बेशर्मों की तरह हुकूमत से ना चिपटे रहें। आप अगर इस मुल्क से, मुझे पता है आप सिंसियर नहीं है, कि अगर आप सिंसियर होते तो इतने मुल्क के इदारों की तजलील नहीं करते, इस पार्लियामेंट पे हमला नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को आप डाइल्यूट नहीं करते।
आप अगर इतने ही पाकिस्तान से मुहब्बे वतन होते तो लोगों को ना कहते कि हुंडी के जरिए पैसे भेजो या बिजली के बिल जलाओ जब तक मैं वजीर आजम ना बन जाऊँ। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी, इनके लाने वालों को थोड़ी सी शर्म है, और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का हाल रूस वाला ना हो तो अपनी अना को एक साइड पर रख दें, और जो जो बेहतर है, अगर जो जो बेहतर है, आवाम बड़ी बाशऊर है, उनको पता है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें। ये 16 लाख वोट रिजेक्ट करके डबल ठप्पे लगा के आवाम की मैंडेट की तोहीन ना करें। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं सिदरा सत्ती इनसाइट से चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।